हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन टीवी सेलिब्रिटी नकुल मेहता के बारे में और जानने वाले हैं उनके एज, हाइट, वेट, उनके रिलेशनशिप, उनके नेटवर्क, उनके फैमिली, उनके लाइफ स्टाइल और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप नकुल मेहता के फैन हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नकुल मेहता का पूरा नाम नकुल मेहता ही है और उनका निकनेम है नकुल। नकुल का जन्म 17 जनवरी 1983 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके माता पिता और एक बड़ी बहन है। नकुल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जमनाबाई नारसी स्कूल मुंबई से कंप्लीट की है और उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई नारसी मोंजी कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से कंप्लीट की है और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो आप बात करते हैं नकुल के फिजिकल स्टेटस के बारे में। बात की जाए उनके हाइट की तो उनका हाइट है अप्रोक्सीमेटली 5 feet 8 inches और बात की जाए उनके वेट की तो उनका वेट है अप्रोक्सीमेटली 75 kg। नकुल मेहता के चेस्ट साइज है 40 inches और उनके वेस्ट साइज है 30 inches और बात की जाए उनके बाइसेप साइज की तो उनका बाइसेप साइज है अप्रोक्सीमेटली 14 inches। नकुल मेहता ने फिल्म में डेब्यू 2005 में अभिमानी मूवी से की और नकुल ने टीवी सीरियल में डेब्यू 2012 में प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा इस सीरियल से की। नकुल के नेशनलिटी है इंडियन और इसी के साथ उनका रिलीजन है हिंदू। नकुल के हॉबीज है ट्रैवलिंग करना और क्रिकेट और टेनिस खेलना। के फेवरेट फूड है राजमा चावल और केक। नकुल के फेवरेट एक्टर है सलमान खान और शाहरुख खान और उनके फेवरेट एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण। बात की जाए नकुल मेहता के नेटवर्थ की तो उनका नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली $10 million। तो आप बात करते हैं नकुल के रिलेशनशिप के बारे में। नकुल के मैरिटल स्टेटस है मैरिड और उनके वाइफ का नाम है जानकी पारेख और करेंटली उन दोनों के एक बेटा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।